9.4 मोल संकल्पना, मोल कॉन्सेप्ट। मोल क्या है? यह एक संख्या है। आइए देखें कि यह आया कहाँ से और यह उपयोगी क्यों है। इसकी कहानी की शुरुआत कुछ रासायनिक क्रियाओं से होती है। मोल संकल्पना उद्देश्य। मोल की संकल्पना को एवोगैड्रो संख्या के संदर्भ में सीखना। हमारे दैनिक जीवन में मात्राओं को प्रदर्शित करने हेतु हम प्रायः कुछ विशिष्ट पदों पर निर्भर करते हैं जो कुछ संख्याओं के रूप में होती हैं, जैसे एक दर्जन अंडे बराबर 12 अंडे, एक ग्रास पेंसिल बराबर 144 पेंसिल, एक क्रीम पेपर बराबर 500 शीट पेपर। रसायन में मात्रा से तात्पर्य किसी सैंपल में उपस्थित कणों की संख्या है, जिसके मापन हेतु मोल का उपयोग होता है। एक मोल बराबर 6.023×10³³ कण। अतः पदार्थ की वह मात्रा जो 6.023×10³³ के बराबर अर्थात एवोगैड्रो संख्या के बराबर होती है, उसे एक मोल कहा जाता है, जिसका नामकरण 19वीं शताब्दी के रसायनज्ञ एमिडियो एवोगैड्रो के नाम पर किया गया। मोल संकल्पना के अनुसार कण परमाणु, अणु या आयनिक यौगिक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए एक मोल कार्बन में 6.023×10³ कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड में 6.023×10³ कार्बन डाइऑक्साइड अणु होते हैं और एक मोल सोडियम क्लोराइड में 6.023×10³ सोडियम क्लोराइड अणु होते हैं। आइए अब परमाणु द्रव्यमान के अर्थ में मोल संकल्पना को समझने का प्रयास करें। किसी भी तत्व के एक मोल का ग्राम में द्रव्यमान गणितीय रूप में इसके परमाणु भार के बराबर होता है। सभी तत्वों पर यही सिद्धांत लागू होता है। आइए टीन का उदाहरण देखें, जिसका परमाणु भार 118.7 है। तो टीन के एक मोल का द्रव्यमान भी 118.7 ग्राम होगा। मोल संकल्पना के अनुसार 118.7 ग्राम टीन में परमाणुओं की संख्या 6.023×10³ होगी। यदि हम मोल संकल्पना को आयतन के संदर्भ में समझना चाहें तो प्रमाणिक ताप एवं दाब पर किसी गैस का एक मोल 22.4 लीटर के बराबर स्थान घेरता है। आइए कार्बन को उदाहरण के रूप में लेकर तीनों अवधारणाओं पर पुनः एक नजर डालते हैं। एक मोल कार्बन में 6.023×10³ कार्बन परमाणु होते हैं। एक मोल कार्बन में 12 ग्राम कार्बन होते हैं। प्रमाणिक ताप एवं दाब पर एक मोल कार्बन 22.4 लीटर स्थान घेरता है। सारांश, एक मोल को प्रदर्शित करने वाली संख्या 6.023×10³ होती है, जिसे एवोगैड्रो संख्या भी कहा जाता है, एवं किसी तत्व के एक मोल का द्रव्यमान इसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है।